वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप 3j कैप 2k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर अगर 2i कैप और 4i कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको आ जाएगा 8। और उसके बाद जब 3j कैप को 3j कैप से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 4k कैप और 2k कैप को करेंगे तो इससे 8 आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 16। अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा को हम निकाल सकते हैं तो इसको लिखेंगे हम, इधर हो जाएगा 17 8 25 हो जाएगा और इधर हो जाएगा रूट 29। इसका भी आ जाएगा रूट 29 इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा हमको हो गया 25 और दोनों का आ जाएगा 29 हो जाएगा रूट 29 इंटू रूट 29। तो अब थीटा को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 25/29। तो यही हो गया इसका आंसर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए 20 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वेक्टर बी 110 डिग्री बनाता है एंगल विद एक्स एक्सिस। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, इस पे वेक्टर ए मान लिया ये है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और ये जो बनाता है एंगल 20 डिग्री का एंगल बनाता है और वेक्टर बी 110 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो अगर 90 हो तो ये लगभग 110 डिग्री बना लेगा एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। पैरेललोग्राम लगा लेते हैं, दोनों का टेल टू टेल को मिला के हम निकालने का कोशिश करते हैं। जब हम टेल टू टेल मिलाएंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा आपको वेक्टर ए 3 यूनिट का और ये वेक्टर हो जाएगा बी 4 यूनिट का और इसके बीच में एंगल है 20 डिग्री और यहाँ से यहाँ इसके बीच में 110 है। तो इसके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 20 सबट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे हम पैरेललोग्राम लगा लेते हैं इसको। तो ये हमको दे देगा रिजल्टेंट, इस आर को हमको निकालना है। अब इसके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो आर इक्वल टू हो गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वैल्यू सबको पुट कर लेते हैं तो ये टर्म्स तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री हो गया। अब आर का वैल्यू हो जाएगा, ए 3 था और ये 4 था तो कितना हो गया 5 मीटर हो गया इसका रिजल्टेंट। और डायरेक्शन निकालना है इस रिजल्टेंट का, मान लेते ये अल्फा है
और ये 20 डिग्री यहाँ से यहाँ खुद दे रखा है, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसको मान लेते हैं बीटा, तो बीटा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री। तो हमको अल्फ़ा पता नहीं है, अल्फ़ा हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं इसका, तो टेन अल्फ़ा होगा, इसका निकालना इसके साथ, तो इसका साइन लेना पड़ेगा 4 साइन 90 डिग्री प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर 3 है, और ए वेक्टर का ही कोस थीटा लेना पड़ेगा, तो कोस 90, ये 0 होता है कोस 90 के, सिर्फ बचेगा क्या 4 इंटू 1 और 3 प्लस 0 बचेगा। तो अब जो है हम अल्फा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 4/3, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमको 53 डिग्री। देयरफॉर बीटा इक्वल टू हो गया हमारा अल्फा प्लस 20 हो जाएगा, तो 53 प्लस 20 तो हो गया 73 डिग्री, इसके साथ विद एक्स एक्सिस, तो हमारा ये एंगल निकल गया कितना हो गया 73 डिग्री, और इसका रिजल्टेंट आ गया था हमको 5 मीटर विद एक्स एक्सिस हो गया, तो यही हो गया इसका रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट ए वेक्टर एंड वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट चाहिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का चाहिए, तो हमको निकालना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं ठीक से, ये एक्स एक्सिस है, तो एक वेक्टर जो है वेक्टर ए वो है 30 डिग्री पर इंक्लाइंड, और दूसरा वेक्टर बी है जो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, किसके साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, 10 यूनिट इसका भी है, 10 यूनिट इसका भी है, तो हमको इसका रिजल्टेंट चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, अगर इसका टेल और इसका टेल को टेल टू टेल मिला दें तो हमको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट लग जाएगा, तो करते क्या है, ये वेक्टर ए ले लिया यहाँ पे, और वेक्टर बी अगर लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल होगा, तो यहाँ से यहाँ ये 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ ये 60 डिग्री है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री का एंगल होगा, तो इसको हम अब लिखेंगे, ये होगी आपको 10 यूनिट इस दोनों का है, और इसके बीच में 10, ये भी 10 यूनिट का है, और इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है। पैरेललोग्राम इसका कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो ये भी 10 यूनिट होगा और ये भी 10 यूनिट होगा, तो इसका ये डायगोनल रिजल्टेंट देगा, पहला वाले वीडियो में बताया था, ये अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो रिजल्टेंट जो होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर को बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये 15 डिग्री हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, तो डायगोनल के डायरेक्शन में ही इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करने के लिए इसका इस डायगोनल से 90 डिग्री पर कोई लाइन खींचेंगे, तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो इधर भी ये 90 डिग्री का होगा, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 10 साइन 15 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 कॉस 15, और इसका जो होगा इधर होगा 10 साइन 15, और इसमें इसका तो इतना इधर हो गया, अब इसमें इसका कितना होगा, इसका भी हो जाएगा 10 कॉस 15, तो ये तो इक्वल, ये वाला और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
तो सारा रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, इस डायगोनल पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा सिर्फ यही होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया दोनों, इक्वल एंड अपोजिट। तो अब हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा टेन कोस 15 डिग्री, तो फिर एक बार टेन कोस 15 डिग्री। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू टेन कोस 15, तो इसको लिखेंगे 20 कोस 15 डिग्री। तो यही हो गया इसका रिजल्टेंट, और डायरेक्शन तो सीधा हो गया कितना 15 डिग्री। इससे ये वेक्टर ए है, इसके साथ 15 डिग्री बना रहा है, और ये कितना था, ये 30 डिग्री था। तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और ए वेक्टर के साथ 15 डिग्री और बी वेक्टर के साथ भी 15 डिग्री का एंगल बनाया। तो रिजल्टेंट हो गया 20 कोस 15, और इसका रिजल्ट और डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो गया 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट हो गया 20 कोस 15। ये एस सी वर्मा से लिया गया है, क्वेश्चन है, तो एस सी वर्मा का थोड़ा सा होता है, तो आपको थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो आपको सिखा दे कंसेप्ट, उसका वही है। ठीक है, तो सीखने को मिला यहाँ, अगर इक्वल वेक्टर है तो वहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा हमको, सिर्फ डायगोनल की तरफ हमको कंपोनेंट तोड़ना होता है। ठीक है, ऐड वेक्टर्स ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट एंड इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल्स 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो तीन वेक्टर है, तीनों का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ हमको दे रखा है, तो इसका हमको रिजल्टेंट चाहिए, तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, इस पे एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, और एक दूसरा वेक्टर ये बना रहा है इससे 45 डिग्री का एंगल, और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 100 है और वो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वो वेक्टर कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और वो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और तीसरा वेक्टर सी जो है उसका भी मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, और वो जो है एक्स एक्सिस के साथ 315 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट मीन ये 315 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इधर से कितना बनाएगा एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, मतलब 100 यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम ये सी वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड करें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्यों कैंसिल कर देगा, ये इधर कितना बना रहा है 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि इस तरफ 135 है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। इस लाइन को अगर इधर बढ़ा दें तो ये भी कितना बनाएगा 45 डिग्री। अब अगर इसका टेल को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 100 न्यूटन है सी का, और इसका भी 100 न्यूटन है सी वेक्टर और ये बी वेक्टर का, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ हमारे पास रिजल्टेंट में सिर्फ यही वेक्टर बच रहा है, तो अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या 100 यूनिट मैग्नीट्यूड बचा, और डायरेक्शन बचा 45 डिग्री का एंगल विद एक्स एक्सिस। तो यही था इसका सॉल्यूशन।
तीनों वेक्टर का सम हो गया 100 यूनिट का और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अ कैरम बोर्ड 4 feet × 4 feet स्क्वायर हैज द क्वीन एट द सेंटर। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, रिबोंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू होल। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 4x4 का एक कैरम बोर्ड है और यहाँ पर इसका सेंटर है, यहीं पर क्वीन रखा हुआ है। तो क्वीन को डीप करने के लिए इसमें डीप करने के लिए क्वीन को हमको डायरेक्ट नहीं मारना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट मारेंगे तो ये रिवर्ट करके फिर इधर ही बैक हो जाएगा। तो करेंगे क्या, इसको कुछ एंगल पर मारेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा इसे, अगर थीटा पे स्ट्राइक करेगा तो थीटा पर ही वो जाके यहाँ पर आके डीप हो जाएगा। ये थीटा एंगल पे जाएगा तो ये थीटा एंगल पे ही रिबाउंड करेगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से इसका हो जाएगा 2 feet का हो जाएगा, क्योंकि 4 feet है टोटल, ये भी 2 feet हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 feet हो जाएगा। अगर हम इसको इंक्रीज कर लें और यहाँ मिला लें तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। इस लेंथ को मान लेते हैं x और ये लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको 2 feet है, तो 10 theta हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया 2, इसको इक्वेशन 1। और उसके बाद अगर हम इसको बढ़ा लें तो ये बेस कितना होगा, तो ये यहाँ से हमने x माना है तो ये हो जाएगा 2 - x हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगा 2 - x यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बेस हो गया थीटा यहाँ पर है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4। तो फिर से एक 10 theta का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे हमको, बेस तो बेस है 4। और उसके बाद सॉरी बेस पहले नहीं लेना पड़ता है, पहले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा है 2 - x का और इसका परपेंडिकुलर है 2 - x का, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - x / 4, तो इससे ये 2 कट गया, तो इस तरफ हो गया 2x और 2 - x। और उसके बाद ये 3x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आ गया 2/3। तो अब हमको ये x पता चल गया, अब हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। और उसके बाद एक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी मांगा है, तो सेंटर से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो गया एक्स का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो 2 है, 2 का स्क्वायर, और x का वैल्यू हमारा आया है 2/3 का स्क्वायर, और उसके बाद 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया हमको 4/9 + 4, तो ये हो जाएगा 40/9, दैट मीन 2/3 रूट 10 फीट हो गया डिस्प्लेसमेंट सेंटर से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद फ्रंट एज से होल का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा बी सी। और बी सी को लिखेंगे, बी सी ये वाला लाइन चाहिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें ये लेंथ है आपको 4
और ये लेंथ आपको कितना है, ये लेंथ 2 माइनस एक्स है, तो इसको कर लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स हमारा 2/3 है, तो ये 16 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2/3 हो गया, और इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 3 6 4/3 16/9 हो गया, तो इसको करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 16 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर में 1 + 1/9 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 4 10/9, 9 में से 9 को बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा 4/3 और √10 इसमें भी बचा, तो ये BC निकल गया। अगर अब हम AC निकालना चाहें, AC देखिए क्या चीज़ है, अगर इस AC को निकालना चाहें हम, इस AC को अगर निकालना चाहें तो AC हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2√2 फीट हो गया। तो हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया, तो यही मांग रहा था डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।